हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के आज के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। फिजिक्स के मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के आज हम लोग फोर्थ एपिसोड में हैं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा वेक्टर एंड स्केलर। अब इसको समझने के लिए मैं जनरल बातों से पहले आपको अपना एक मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का देना चाहूँगा। अभी होता है कि इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी होता है हर चीज़ में, वैसे ही फिज़िक्स में भी इन्फॉर्मेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंस होता है। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए हर चीज़ के नॉलेज के अंदर। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बोला कि आप जाके शक्कर लेके आइए दुकान से, तो आप मुझसे पूछोगे कि कितना। ये जो आपने कितना पूछा है इसको क्वांटिटी कहा जाता है। अब क्वांटिटी के अंदर मैं आपको बोल दूंगा 1 किलो, 2 किलो या 5 किलो, तो आप उसको ले आएंगे। तो ये मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटी बताया। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो 5 हो गया, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, ये सब होते हैं मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक स्केल है। तो हम लोग माप सकते हैं कि कितना क्या लाना है। लेकिन अब एक यहाँ पर डेफिनेशन तैयार हो जाती है स्केलर क्वांटिटीज को लेकर के। फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट विथ मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर आपने एक इंफॉर्मेशन मांगी क्वांटिटी की, मैंने आपको 5 किलो बोल दिया, आप लेने चले गए और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लोज हो गया, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक क्वांटिटी के साथ बता दी, एक स्केल के साथ बता दी। यही है स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा तो काफ़ी है, आपका पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मैंने टाइम पूछा आप, तो आप बोलोगे 2 बजे। तो ये एक इतना सा इन्फॉर्मेशन है कि कितने बजे हैं और आपने मुझे बता दिया, तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही टेम्परेचर, आज कितना टेम्परेचर है, तो आप बोलोगे 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 केल्विन। ये सब चीज़ें जो है मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सिर्फ आप क्वांटिटी बोल दोगे, उसकी मैग्नीट्यूड बता दोगे, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है काम, आपने कितना काम किया, मैंने इतना काम किया, आप बता दोगे। तो ये वर्क भी जो है, वर्क डन जिसे कहते हैं, इसकी क्वांटिटी भी स्केलर में होती है। या फिर जैसे मैंने आपको इस पहले एग्जाम्पल में बताया मास के बारे में कि 5 किलो ले आओ, तो ये मास या वेट जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मास जो होता है फिजिक्स में वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि आप अभी दिल्ली में हो, मैंने कहा हाँ जी मैं दिल्ली में हूँ। अब मुझे उसने पूछा कि नागपुर जाना है कितना दूर पड़ेगा, तो मैंने बोला कुछ 1200 किलोमीटर दूर पड़ेगा नागपुर। अब वो 1200 किलोमीटर दूर जाने के लिए तैयार हो गया और चले भी गया। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसने मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि सर आपने मुझे बोला 1200 किलोमीटर जाना है, मैं आ तो गया, लेकिन मैं नागपुर आने की जगह पे फिलहाल गुवाहाटी पहुंच गया। तो इसमें क्या मेरी गलती है या उसकी गलती है? गलती मेरी है, क्योंकि मैंने उसको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था और उसने पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश भी नहीं की थी। एज ए न्यू फिजिक्स स्टूडेंट्स जैसे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन पूरा कैसे गैदर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ है जिसमें 1200 किलोमीटर तो मेंशन किया हुआ है, उसमें मैंने क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बता दी थी, लेकिन एक चीज़ मैंने बताई नहीं, वो है डायरेक्शन। अगर मैं उसको बोलता कि आप 1200 किलोमीटर साउथ के तरफ जाओगे तो आप दिल्ली से नागपुर पहुंच जाओगे, लेकिन उसने क्या किया, साउथ के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की और मैंने बताया भी नहीं, वो जो है 1200 किलोमीटर ईस्ट में चला गया और गुवाहाटी पहुंच गया।
तो यही दिक्कत होती है। कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्शन के साथ में जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसे ही हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एज पर द डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी जो है इसमें मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जिस चीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्केल काफ़ी है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शनल आपको एक इंफॉर्मेशन देना पड़ता है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में एक्सेलरेशन हो गया, सामने की तरफ एक्सेलरेट किया या रिवर्स की तरफ एक्सेलरेट किया, या साइड में जाते हुए एक्सेलरेट कर रहा था या गोल घूम रहा था, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि 1200 किलोमीटर उसने डिस्प्लेस किया, साउथ के तरफ ना जा कर के ईस्ट के तरफ गया तो वो करेक्ट जगह पे नहीं पहुंच पाया। इवन दो एक छोटी सी बात मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि देखिए मथुरा से दिल्ली जाने में 150 किलोमीटर लगता है, और 150 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन जब आप दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे एक राउंड मारोगे तो आपको पता चलेगा आप दिल्ली में ही हो। दिल्ली के आपने चारों ओर चक्कर लगाए लेकिन आपने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्शन की बात है। अगर मैं 150 किलोमीटर डायरेक्ट चले जाता तो मैं शायद मथुरा पहुंच जाता, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन 300 किलोमीटर मैं डायरेक्शन सर्कल में गया, एक गोल से डायरेक्शन में मैं सर्कल में घूमता रहा, तो मेरा दिल्ली का एक चक्कर कंप्लीट हुआ, तो क्वांटिटी बढ़ गई। अब देखने के हिसाब से देखा जाए तो मथुरा दिल्ली से दूर है, और 150 किलोमीटर में आप चले भी गए, लेकिन 300 किलोमीटर मैग्नीट्यूड उससे भी ज़्यादा है, और आपका डायरेक्शन ही बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि आपको सिर्फ दिल्ली का एक चक्कर लगवा पाए। हैदराबाद की भी बात करा जाए तो उसका भी रिंग रोड 150 किलोमीटर का सर्कल बनाता है। तो 150 किलोमीटर बहुत होते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत दूर जाना होता है, लेकिन डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है इस चीज़ में। तो आप समझ सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने में, यानी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, तो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दोनों को लिखने का तरीका भी अलग होता है। अगर आप m लिखते हो या तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी में आएगा। अगर आप m के ऊपर एक ऐसा एरो बना देते हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। इट डजंट शो कि एरो जिस तरफ है उस तरफ डायरेक्शन में मूव होना है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो ये बताता है, क्वांटिटी के ऊपर लिखा हुआ, यूनिट के ऊपर लिखा हुआ एरो बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि ये क्वांटिटी स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको जो है मतलब आप बता सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको एरो के साथ भी आप बता करके जो है अपना वेक्टर क्वांटिटी को शो कर सकते हो। और ये जो एरोज़ होते हैं, ये एरोज़ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताए जाते हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि मैं पहले यहाँ पर था, यहाँ से मैं ऐसे चला और यहाँ से ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर वापस इधर आ गया, तो आप क्या गिनोगे मैं चला कि नहीं? अगर आप स्केलर के हिसाब से गिनोगे तो मैंने यहाँ दो कदम, फिर यहाँ दो कदम, फिर यहाँ दो कदम, फिर यहाँ दो कदम, मतलब मैंने 8 कदम चला है। लेकिन वेक्टर के हिसाब से मेरे अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ,
यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस ये है स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ बताता है कि आपने कितना मूव किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बताता कि आप कितने दूर गए, आपकी बॉडी का इनिशियल पॉइंट क्या था और लास्ट पॉइंट क्या था, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट निर्भर करता है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो मैं कहीं भी नहीं गया, मैं वहाँ पर ही हूँ जहाँ पर था, मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूँ तो वहाँ पर डिस्टेंस के बारे में चर्चा होगी, जिसमें कि मैं 8 कदम चला हूँ, दो इस तरफ, दो इस तरफ, दो इस तरफ और दो इस तरफ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।